अनजान फ्लाइट्स में पैसेंजर्स के आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रू मेंबर्स भी तो इंसान हैं? लंबी उड़ानों के दौरान वे कहां आराम करते होंगे? दरअसल लंबी दूरी वाली फ्लाइट्स में क्रू मेंबर्स के लिए विमान में सीक्रेट बेडरूम्स होते हैं। इन्हें क्रू रेस्ट कम्पार्टमेंट्स कहा जाता है। सीक्रेट सीढ़ियां पहुंचाती हैं सीलिंग में बने बेडरूम्स तक। बिस्तर तकिया वाले छोटे कैबिन्स होते हैं जिनमें कोई खिड़की नहीं होती। इनमें जगह बहुत कम होती है, इसलिए एकदम बंद बंद एहसास होता है। कह सकते हैं कि ये आराम से सोने के बजाय पैर फैलाने की फैसिलिटी होती है। बहुत सारे बोइंग 777 और 787 विमानों में सीक्रेट सीढ़ियां होती हैं, जहां से इन बेडरूम्स तक पहुंचा जा सकता है। ये सीढ़ियां दरवाजों के पीछे छुपी होती हैं। वैसे तो विमान के हिसाब से इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये फर्स्ट क्लास के ऊपर कॉकपिट के पीछे होते हैं। इन बेडरूम्स तक पहुंचने के लिए कैबिन क्रू का सीक्रेट कोड डालना होता है। ज्यादातर यात्रियों को पता ही नहीं होता कि उनके सिर के ऊपर भी कुछ लोग सोए या लेटे हुए हैं। डैश बोइंग 777 विमान में 8 से 10 बेडरूम्स होते हैं। यहाँ स्टोरेज के लिए भी स्पेस होता है, जहाँ क्रू मेंबर्स अपनी निजी चीजें रख सकते हैं। कुछ विमानों में पायलट्स के लिए अलग से 2 बेडरूम्स होते हैं। इसके अलावा उनके आराम के लिए बिजनेस क्लास की 2 सीटें भी होती हैं। इन कंपार्टमेंट्स और बेड का लेआउट